ठीक मेरे पीछे जो ये दफ्तर है ये गुरुग्राम का हरियाणा विकास प्राधिकरण का दफ्तर है और इसी दफ्तर ने इस शहर को बसाया है एक तरह से, क्योंकि इसी के ऊपर जिम्मेवारी थी गुरुग्राम शहर के सेक्टरों को काटने की, और साथ में यहीं पर जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है उसका दफ्तर भी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिस महकमे की जिम्मेवारी इस शहर को बसाने की थी, जिसको की जिम्मेवारी इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की थी, उसी महकमे का जो दफ्तर है वो पानी में डूबा हुआ है। बाहर जो है पंप के जरिए इस दफ्तर का जो पानी है वो निकाला जा रहा है, और इस दफ्तर के बिल्कुल सामने अगर आप बात करेंगे तो करीब 1.5 फीट तक का जो पानी है वो बढ़ा हुआ है। जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी उस तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। गुरुग्राम में कुछ घंटों की हुई बारिश के बाद हर तरफ इसी तरह का हाल है, चाहे वो पुराना गुरुग्राम हो चाहे वो नया गुरुग्राम ही क्यों ना हो। गुरुग्राम के जो सेक्टर 55, 56, 57 है या फिर DLF Phase 1 का इलाका है, सुशांत लोक का इलाका हो चाहे सेक्टर 14, 17 का इलाका ही क्यों ना हो, हर तरफ पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो अतुल कटारिया चौक है उसका जो अंडरपास है उसको तो बंद ही कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ अंडरपास में पानी चला गया है, इसलिए लोगों की आवाजाही फिलहाल वहाँ पर बंद की गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये ओल्ड दिल्ली रोड के पास जो हरियाणा विकास प्राधिकरण का जो दफ्तर है उसके ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि सड़क पर किस कदर पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, और अभी भी जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है, हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम में जो बारिश हुई है उसके बाद इस शहर के हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, किस कदर जो जलभराव वो हुआ है। गनीमत यह है कि आज रविवार होने की वजह से छुट्टी है, दफ्तरों की छुट्टी है। अगर दफ्तरों की छुट्टी नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में जो आने जाने वाले लोग हैं वो भारी जाम का सामना भी उनको करना पड़ सकता था। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरियाणा विकास प्राधिकरण के दफ्तर के सामने की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि जिस महकमे के ऊपर एक तरह से जिम्मेवारी है शहर को ठीक रखने की, उसकी अगर तस्वीरें ऐसी हैं तो बाकी शहर की तस्वीरें कैसी होंगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह स्थिति गुरुग्राम में कुछ देर के लिए ही हुई बारिश के बाद की कहानी है। गुरुग्राम में सुबह से कई बार कई घंटों से एक तरह से बारिश हो रही है, और कई इलाकों में जो पानी है वो भरा हुआ है, जगह जगह जल भरा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ पुराने गुरुग्राम में बल्कि नए गुरुग्राम के जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी काफी पानी भरा हुआ है, चाहे वो सेक्टर 56 हो, 57 हो, सुशांत लोक हो, DLF Phase 1 का इलाका हो या फिर दूसरे इलाके ही क्यों ना हो। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गुरुग्राम के जो शीतला माता रोड है उसकी ये तस्वीरें हैं, और यहाँ पर एक लंबा जाम पीछे लगा हुआ है, क्योंकि जो बारिश का जो पानी है वो सड़कों पर करीब 1 फीट तक का बढ़ा हुआ है, और यही वजह है कि कई गाड़ियां इस पानी के अंदर खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी स्लो चल रहा है। इस वक्त भी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये शीतला माता मंदिर रोड की हैं, और अतुल कटारिया चौक जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले ही यानी कि लगभग 1 साल पहले ही ये जो अंडरपास फ्लाईओवर है ये बनकर तैयार हुआ था, और उस वक्त ये दावा किया गया था कि जो नए अंडरपास फ्लाईओवर बनाए गए हैं उनमें जल भराव नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो इफ्को चौक के साथ साथ जो सिग्नेचर टावर और जो राजीव चौक अंडरपास है उसमें हमने देखा कि कई बार बारिश जो है के समय में ये अंडरपास में पानी भर गया था, लेकिन ये जो नया अंडरपास बना था इसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। अब जब कुछ देर की बारिश हुई है तो उसके बाद इस अंडरपास को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर बारिश का जो पानी है वो चला गया है, बारिश का काफी पानी यहाँ पर भरा हुआ है इस अंडरपास के अंदर, और इसीलिए एहतियात के तौर के ऊपर इसको बंद किया गया है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश के बाद कई इलाकों में ना सिर्फ जल भरा हुआ है बल्कि जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। ठीक होना चाहिए।
दानू के ठीक है।